टेपिंग मामले में कॉरपोरेट लोबिस्ट नीरा राडिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की ओर से बड़ी राहत मिली है। लगभग एक दशक से ज्यादा लंबे समय से चल रहे मामले में जांच एजेंसी ने राडिया को क्लीन चिट दी है। इस संबंध में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को भी अपडेट दिया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कॉरपोरेट लोबिस्ट नीरा राडिया के टेप किए गए फोन कॉल्स में उसे किसी अपराध के सबूत नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि 2G घोटाले की जांच के दौरान राडिया टेप बड़ी चर्चा का विषय बने थे। आज सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उसे लगभग 5,800 टेप की जांच में अपराध का कोई मामला नहीं मिला था, इसलिए मामले में दर्ज शुरू की 14 प्राथमिक जांच को बंद कर दिया गया। गौरतलब है कि 12 साल पहले राडिया टेप पर काफी विवाद मचा था। उस समय उद्योगपति रतन टाटा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने खुद से जुड़ी कुछ निजी बातों के भी इन टेप में होने का हवाला देते हुए इन्हें सार्वजनिक करने पर रोक की मांग की थी। आज लंबे समय बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के लिए पेश एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने भी कहा कि निजता को सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का दर्जा दे चुका है। अब इस मामले में कुछ नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट अब अगले हफ्ते मामले की सुनवाई करेगा।